अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अमानत अली वडैच व्यूअर्स, सेवन मतलब हाउस फॉर सेल बैरी ऑफ सेवन अबू बकर ब्लॉक। तो व्यूअर्स मैं आपको इसका विज़िट करवा देता हूँ। ये सामने आप देख सकते हैं, इसका मेन गेट खूबसूरत गेट बना हुआ है और साथ ही आपको यहाँ पे खूबसूरत लान यहाँ पे बनाया गया है और गली का आप स्ट्रीट व्यू आप देख सकते हैं। स्ट्रीट की बात करें तो ये 40 फीट की स्ट्रीट है। इस साइड से भी आप स्ट्रीट का व्यू देख सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा यहाँ से इसके फ्रंट एलिवेशन का व्यू करवा देता हूँ। यहाँ पे अगर वाल में बात करते हैं तो यहाँ पे रॉक वाल का वर्क किया गया है। सामने ऊपर आपको बिग साइज़ में फ्रंट एलिवेशन में विंडो मिल जाती है यहाँ पे, और एक विंडो आपको यहाँ पे नीचे मिलती है। इस साइड पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आपको सामने एक खूबसूरत डिज़ाइन बनाया गया जो आप देख रहे हैं, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन। जो इसके बाद हम इंटर होते हैं इसके कार पोर्च में, कार पोर्च में इंटर होते हैं तो यहाँ पे आपको एक गाड़ी आप आसानी से यहाँ पे खड़ी कर सकते हैं। इस साइड पे आपको बहरिया के लाज के मुताबिक गैलरी मिल जाती है और इस साइड पे आप सामने आपको मेन डोर साथ एक विंडो दी गई है और डबल यूनिट ये हाउस है। तो अभी मैं आपको ले चलता हूँ इसके अंदर। हम जो ही इंटर होते हैं तो सामने आपको यहाँ पे किचन मिल जाता है, इस साइड पे दो आपको बेडरूम, और इस साइड पे आते हैं तो आपको यहाँ पे ड्राइंग रूम मिल जाता है। तो मैं आपको सबसे पहले बेडरूम में ले चलता हूँ। यहाँ से हम इंटर होते हैं बेडरूम में, आपको सामने इंटर होते ही बिग साइज़ विंडो मिल जाती है, ऊपर खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन है। और इस साइड पर अगर हम बात करते हैं, हमने बहुत कम ऐसा देखा है कि जिस तरह यहाँ पर फुल हाइटेड कबर्ड इंस्टॉल की गई हैं, पूरी वॉल में की गई हैं। ये बहुत कम हमने देखा है पूरी वॉल में इस तरह कबर्ड इंस्टॉल की गई हों। तो साथ ही यहाँ पे आपको इसका वॉशरूम मिलता है, वॉशरूम का भी मैं आपको विजिट करवा देता हूँ। इस साइड पे आपको इसका डोर मिल जाता है। तो अभी मैं आपको ले चलता हूँ वॉशरूम में। यहाँ पे आपको इसका कमोड मिल जाता है, साथ इस साइड पर आपको इसका शावर एरिया। यहाँ अगर हम टाइल की बात करें तो फुल हाइटेड टाइल लगाई गई है और मास्टर की टाइल लगाई गई है। इस साइड पे आपको एक मिरर मिल जाता है और नीचे ये वेंटी, वेंटी की बात करें तो वेंटी अच्छे तरीके से इसे इंस्टॉल किया गया है। यहाँ पे आपको इसका एक विंडो ऊपर मिलती है। तो इस बेडरूम से मैं आपको बाहर हम निकलते हैं दूसरे बेडरूम की तरफ ले चलता हूँ। तो यहाँ पे साथ ही आपको इसका सेकेंड बेडरूम मिलता है। तो सेकेंड बेडरूम में हम इंटर हो जाते हैं। ये डोर आप देख सकते हैं, खूबसूरत सॉलिड डोर बने हुए हैं, ऊपर खूबसूरत सीलिंग की गई है, सीलिंग डिज़ाइन बहुत प्यारा लग रहा है। सामने यहाँ पे आपको फुल हाइटेड कबर्ड्स मिल जाती हैं। कबर्ड्स की बात करें तो ये थोड़ा दीवार से बाहर इंस्टॉल की गई हैं या जिस तरह आप देख रहे होंगे। अगर नीचे टाइल की बात करें तो टाइल वर्क बहुत ही खूबसूरत टाइल वर्क किया गया है। यहाँ पर आपको ये साथ जो है इसका वॉशरूम मिलता है और एक विंडो दी गई है, और साथ ही आपको यहाँ पे ये एक वॉशरूम है। अगर वॉशरूम की बात करें तो ये वॉशरूम आप ड्राइंग रूम और इस बेडरूम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस साइड पे आपको इसका शावर एरिया मिल जाता है। और टाइल की बात करें तो खूबसूरत टाइल जो है यहाँ पे इंस्टॉल की गई है, अच्छी टाइल वर्क किया गया है। तो यहाँ से इस साइड पर आपको इसका कमोड यहाँ पर इंस्टॉल किया गया और यहाँ पर आपको इसकी वेंटी, और वेंटी के ऊपर यहाँ पे आपको इसका मिरर मिल जाता है। तो इसी साथ ही हम इस ड्राइंग रूम में एंटर हो जाते हैं। मैं आपको यहाँ थोड़ा व्यू करा दूँ। जो ही ड्राइंग रूम में एंटर होते हैं, सामने आपको खूबसूरत डिज़ाइन में एक विंडो मिलती है जो बिग साइज में, ऊपर अगर बात करें तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बना हुआ है सीलिंग का। साथ आपको यहाँ पे वॉलपेपर वॉल पे मिलता है। वॉलपेपर की बात करें तो पूरी वॉल पे वॉलपेपर लगाया गया है। यहाँ पे आपको नीचे टाइल वर्क जो बहुत अच्छा टाइल है यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। इस साइड पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आपको जो डोर नजर आ रहे हैं, सबसे पहले ये वाला डोर जो है ये आपका बाहर की तरफ जो जा रहा है कार पोर्च की तरफ, ये सामने आपको अगर जाते हैं तो टीवी लॉन्च की तरफ, यहाँ से इसका वॉशरूम जो आगे कनेक्ट कर रहा है इसके बेडरूम को। तो अभी मैं आपको इसके टीवी लॉन्च का थोड़ा व्यू करवा दूँ। यहाँ पे आप इसका, यहाँ पे आप इसे टीवी लॉन्च के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं मीडिया वॉल के लिए, और ऊपर एक खूबसूरत डिज़ाइन में जो है शैंडिलियर आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत जो खूबसूरती में इजाफा कर रहा है। तो इस साइड पर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा मैं दिखा दूँ, सामने ये किचन है,
किचन की अगर बात करें तो बहुत ही अच्छी केबिन वगैरह बनी हुई है। अभी मैं ले चलता हूँ आपको, नज़दीक से व्यू करवाता हूँ। सामने आपको यहाँ पे मिल जाता है इसका एक डोर जो बाहर गैलरी की तरफ जा रहा है। इस साइड पे आपको केबिन मिलती है, सिंक मिल जाता है। और केबिन की अगर बात करें तो ऊपर और नीचे कलर में थोड़ा चेंज किया गया है, ब्लैक और वाइट कलर यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे आपको एक सिंक मिल जाता है। इस साइड पे अगर हम आते हैं तो इस साइड पे आपको बर्नर हुड इंस्टॉल है। ऊपर वाली केबल वाइट कलर में दी गई है और नीचे वाली केबल जो है ब्लैक कलर। और यहाँ से ये बाहर की तरफ आप जा सकते हैं, गैलरी वाली साइड पे आपको रास्ता मिल जाता है। यहाँ से सामने थोड़ा आपको व्यू करवा देता हूँ। ये टीवी लाउंज, आप यहाँ से टीवी लाउंज का सारा देख सकते हैं मैं आपको। और अभी मैं ले चलता हूँ इसके आपको फर्स्ट फ्लोर की तरफ। अगर हम स्टेयर्स की बात करें तो यहाँ पे सामने आपको जो मिल जाता है डबल यूनिट के लिए डोर, और यहाँ पे आपको ये ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है। स्टेयर्स की अगर बात करें तो साइड पे स्टील का पाइप इस्तेमाल किया गया है, अच्छा पाइप इस्तेमाल किया गया है प्रीमियम क्वालिटी में। जो ही हम ऊपर चलते हैं तो स्टेयर्स के सामने हमें खूबसूरत डिज़ाइन दिया गया जिसमें थोड़ा वाल पेपर का इस्तेमाल किया गया, ऊपर खूबसूरत लाइट्स का इस्तेमाल किया गया। हम यहाँ पे जो ही इंटर होते हैं तो टीवी लॉन का व्यू देख के बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पे जो डिज़ाइन बना है बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बना हुआ है। ये यहाँ पे थोड़ी चेंजिंग की गई है, किचन ओपन दिया गया है। टीवी लॉन्च और किचन को आप इकट्ठा यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको ले चलता हूँ इसके बेडरूम की तरफ। यहाँ से ऊपर ये स्टेयर्स आप देख सकते हो, ऊपर छत की तरफ स्टेयर्स जा रही हैं। और ये इसका बेडरूम, बेडरूम में इंटर होते ही सामने आपको विंडो मिलती है, बिग साइज में विंडो। इस साइड पे आपको खूबसूरत डिजाइन में डोर मिल जाता है। यहाँ पे आपको अगर बात करें फुल हाइटेड कबर्ड इंस्टॉल की गई है। डोर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे डोर बने हुए हैं। अगर लाइट्स के मैं आपको नज़दीक से बटन दिखा सकूं तो बड़े अच्छे बटन इस्तेमाल किए गए हैं जो जल्दी ख़राब होने वाले नहीं हैं। तो यहाँ से हम इसके वॉशरूम में आपको ले चलते हैं। वॉशरूम में इंटर होते ही आपको सामने यहाँ पे इसकी खूबसूरत डिज़ाइन में वेंटी मिल जाती है जो बहुत ही प्यारी मतलब इंस्टॉल की गई। यहाँ पे आपको इसका कमोड मिल जाता है। इस साइड पे टाइल वर्क बहुत ही अच्छा टाइल वर्क किया गया और फुल हाइटेड टाइल लगाई गई है। और साथ आपको यहाँ पे शावर एरिया मिल जाता है। इस साइड पे जिस तरह मैंने वेंटी का व्यू करवाया ऊपर आप देख सकते हैं खूबसूरत सेम कलर में आपको मिरर इंस्टॉल किया गया, ऊपर खूबसूरत लाइट्स का इस्तेमाल है। यहाँ पे आपको एक विंडो दी जाती है और ऊपर सीलिंग का डिज़ाइन आप चेक कर सकते हैं। मतलब अभी मैं आपको ले चलता हूँ इसके सेकंड बेडरूम की तरफ। इस बेडरूम से हम बाहर निकलते हैं तो हम आ जाते हैं इसके सेकंड बेडरूम की तरफ। मैं आपको थोड़ा व्यू करवाता चलूँ। तो यहाँ से ये इसका सेकंड बेडरूम का डोर है सामने जो आप देख रहे हैं। यहाँ पे आपको जो मैंने व्यू करवाया इस साइड पे आपको ये डोर मिलता है। तो ये डोर सॉलिड डोर बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत, मतलब डिज़ाइन भी थोड़ा सिंपल है लेकिन बहुत प्यारा लग रहा है। सामने आपको इंटर होते ही विंडो मिलती है। जो विंडो यहाँ पे आप देख रहे हैं विंडो का जो डिज़ाइन किया गया है सामने आप देख सकते हैं लॉक लगा हुआ है। आप इस ताले को खोल के इस्तेमाल भी कर सकते हैं मतलब बाहर गैलरी की तरफ जाने के लिए। तो ऊपर खूबसूरत सीलिंग का पर किया गया है। इस साइड पे मैं आपको थोड़ा व्यू करा दूँ। यहाँ पे आपको इसका मिलता है दो डोर, एक वॉशरूम और एक इंट्रेंस वाला डोर, एक यहाँ पे आपको फुल हाइटेड कबर्ड्स मिल जाती हैं। तो मैं आपको भी ले चलता हूँ इसके वॉशरूम में। वॉशरूम में हम जो ही इंटर होते हैं तो यहाँ पे आपको कमोड इंस्टॉल किया गया है। अगर इस साइड पे हम आते हैं तो इस साइड पे शावर इंस्टॉल किया गया है। शावर एरिया अगर हम वॉशरूम की स्पेस की बात करें तो ठीक यहाँ पे दी गई है। टाइल बड़ी खूबसूरत इस्तेमाल की गई है, मास्टर की टाइल। वॉशरूम में अक्सर मास्टर की ही टाइल इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पे आपको खूबसूरत मिरर मिलता है। नीचे वेंटी की बात करें तो बड़ी अच्छी वेंटी बनी हुई है, नीचे केबल वगैरह भी बनी हुई है। और इस साइड पर आपको इसका डोर मिलता है। और अभी मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ से बाहर निकलते हैं सेकेंड बेडरूम से। तो यहाँ से थोड़ा व्यू आपको नज़र आ रहा होगा। जो ही हम बाहर निकलते हैं मैं आपको थोड़ा
सबसे पहले मैं ले चलता हूँ आपको इसके थर्ड बेडरूम की तरफ। तो सामने आपको बिग साइज में विंडो इंस्टॉल की गई है, ऊपर खूबसूरत मिनी साइज में लाइट्स का इस्तेमाल किया गया जो खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन में इंस्टॉल की गई है। यहाँ पे आपको वॉलपेपर का इस्तेमाल है, बहुत ही प्यारा वॉलपेपर इस्तेमाल किया गया है। वॉल में मीडिया वॉल के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस साइड पे आपको डोर मिल जाता है और यहाँ पे फुल हाइटेड कबर्ड्स, फुल हाइटेड कबर्ड का इंस्टॉल की गई है। और अगर कबर्ड्स की बात करें तो ये कबर्ड्स का या जिस तरह ये आप देख सकते हैं, मतलब ऊपर तक फुल हाइटेड है। तो अभी मैं ले चलता हूँ आपको वॉशरूम में। ये हम जा रहे हैं जी अभी वॉशरूम में। यहाँ पे इंटर होते ही आपको यहाँ पे कमोड इंस्टॉल किया गया, इस साइड पे शावर। और अगर हम टाइल की बात करें तो टाइल यहाँ पे चेंज की गई है और खूबसूरत डिजाइन है टाइल का। अगर हम बात करें तो मास्टर की टाइल है, कलर थोड़ा यहाँ पे चेंज किया गया जिस तरह ये आप देख रहे हैं। ऊपर मैं आपको सीलिंग भी इसकी दिखा देता हूँ। इस साइड पे आपको मिरर और यहाँ पे नीचे आपको वेंटी और खूबसूरत टाइल वर्क किया गया है। सॉलिड डोर यहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं। यहाँ से हम बाहर निकलते हैं तो अभी मैं आपको इसका व्यू कराता हूँ टीवी लाउंज का। मैं कोशिश करता हूँ कि ये सामने आपको सामने मतलब दो बेडरूम के डोर नजर आ रहे हैं। नीचे टाइल वर्क बड़ा खूबसूरत टाइल इस्तेमाल की गई है और टाइल मतलब छोटी नहीं है, बड़ी टाइल इस्तेमाल की गई है। यहाँ पे आपको सीलिंग में दो फैन मिलते हैं, खूबसूरत डिजाइन। आप जिस तरह आपको पूरा डिजाइन इसका नजर आ रहा होगा खूबसूरत डिजाइन में। इस साइड से मैंने आपको व्यू करवा दिया। मैं अभी आपको इस साइड से अगर व्यू कराता हूँ, यहाँ पे आपको किचन मिलता है वो बाद में दिखा देता हूँ। यहाँ पे टीवी लाउंज में आपका मीडिया वॉल यहाँ पे आपको सामने इंस्टॉल की गई है और इस साइड पे आपको वॉलपेपर वॉल में खूबसूरत डिजाइन दिया गया है और यहाँ पे किचन है। तो अभी मैं आपको किचन ओपन किचन बनाया गया। किचन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं खूबसूरत मतलब केबन का इस्तेमाल किया गया है। बर्नर यहाँ पे इंस्टॉल है, हुड इंस्टॉल है। ऊपर आप देख सकते हैं ऊपर वाली केबन और नीचे वाली केबन सेम एक ही कलर में है। सामने आपको सिंक के ये आप देख सकते हैं डोर है, डोर के साथ यहाँ पे सिंक है। सिंक के ऊपर एक विंडो दी गई है जो बिग साइज में है, बिग साइज इतनी मतलब छोटी नहीं है। तो अभी यहाँ से आप इसका टेरेस देख सकते हैं। टेरेस की बात करें तो यहाँ पे आपको ये इसका टेरेस, टेरेस से हम बाहर निकलते हैं। पूरे हाउस का आप दोस्तों को विजिट करवा दिया। जो दोस्त इस हाउस में इंटरेस्टेड होंगे वो हमें हमारे साथ कंटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप दोस्तों का नंबर मिल जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।